स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसी शब्द के लिए प्रयोग किए गए समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की सबलता की बहुलता को दर्शाते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतने ही सबल व सशक्त भाषा होगी। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है। भाषा में पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग से पूर्व अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। पर्यायवाची शब्द जो कि संस्कृत में है वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। संस्कृत के पर्यायवाची केवल पर्यायवाची ही बने और कुछ कोश विश्व प्रकाश मोदिनी नानार्थक संक्षेप आदि नानार्थक कोश ही हैं। वर्ण देशाना सदृशन कोशों को छोड़कर संस्कृत कोश प्राय निरुक्त ग्रंथों के तदंतर संस्कृत के प्राचीन और मध्यकालीन कोश हमें उपलब्ध होते हैं। इस संबंध में मैकडॉनल्ड ने माना है कि संस्कृत कोश की परंपरा का उद्भव संस्कृत के प्राचीन शब्द संख्या एक शब्द संस्कृत के तो उसमें है। पहला है स्वर्ग। स्वर्ग को हम पर्यायवाची होंगे नाक है, सुरलोक है, देवलोक है, त्रिशाल्य है। देवता इसके पर्यायवाची होंगे अमर है, निर्जर है, देव है, तुर है, आदित्य है। असुर इसका पर्यायवाची होगा दैत्य है, धनुज है, दुरित है, दानव है, रजत है। फिर ब्रह्मा इसका होगा आत्मसुस, सुरज्येष्ठ है, पितामह, हिरण्यगर्भ है। फिर इसका होगा स्वर्ग, फिर उसका होगा ये जो है स्वर्ग का पहले आ चुका है, ब्रह्मा का भी आ चुका है। इसके बाद में यहाँ आएगा विष्णु। विष्णु इसका होगा नारायण, दामोदर, गोविंद और गरुड़ ध्वज। कामदेव इसका होगा मदन, मानमय, मार, पर प्रद्युम्न, कांधर्व। लक्ष्मी इसका होगा पद्मालय, पद्मा, कमला, री, हरिप्रिया। फिर गरुड़ का होगा तार्भे, वैनतज्ञ, खगेश्वर, नागांतक। फिर शिव इसका होगा शंभु, पशुपति, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर। पार्वती इसका होगा उमा, कात्यायनी, गौरी, हेमवती, शिवा, भवानी। गणेश इसका होगा विनायक, गणाधिप, एक दंत है, तम लंबोदर। ये त है, इसको ल बना लेना है, लंबोदर, गजानन। फिर इंद्र इसका हो जाएगा मरुत्वान, मध्वा, पुरंदर, वासव है, सुरपति है। नारद इसका हो जाएगा तंबूर है, भारत है, देवल है, देवर्षि। अमृत का हो जाएगा पीयूष और सुधा, अमित, अमीय। अग्नि का हो जाएगा वैश्वनर, वही, धनंजय, जातवेद, पावक। यमराज का हो जाएगा धर्मराज है, परित्राग, कृतंश, शमन, काल। वायु का हो जाएगा गंधवाह, अनिल, समीर, मरुत, समीर। शीघ्रम का हो जाएगा वीरत, क्षिप्र, ध्रुत, सत्वर। शीघ्रम का हो जाएगा त्वरित्व, क्षिप्रम, द्रुत्वम, सत्वरम, चपलम। लगातार का हो जाएगा सतत, निरंतर, आश्रंत, अविरत, अनवर। कुबेर का हो जाएगा यक्षराट, धनद, किंगनेरेश, नरवाहक, शिंद। आकाश का हो जाएगा व्योम, पुरस्कर, अंबर, गगन और अनंत है। दिशा का हो जाएगा दिक, कपूप, काष्ट, आशा,
हरितः, मेघ का हो जाएगा, वारी वाह बलाहक धराधर जलधर धन। विद्युत का पर्यायवाची है शंपाह, एरावती, क्षण क्षण प्रभा, तड़ित और चंचला। चंद्रमा का है हिमांशु, हिमांशु चंद्र, विधु सुधांशु, मृगाड़क शशधर। चांदनी का है पर्यायवाची चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। नक्षत्र का है ऋषभ, भम, तारा, तारका, उड़ू। फिर सूर्य, इसका है सूर्य, आदित्य, प्रभाकर, भानु, सविता। किरण, इसका पर्यायवाची है रश्मि, कर, उर, रिग्न, मरीचि। काल का है समय दिष्ट स्नेह, समय दिष्ट है अनेहा, समय दिष्ट अनेहा। दिवस का है पर्यायवाची धनस है दिनम, अहन और वासर है। रात का है शर्बरी, निशा, रात्रि, शरणदा, विभान, विभावरी और रंजनी। पाप का है पाड़क, पापमा, किलविंश, कलमश, अहंस, दुष्कृतम। पुण्य का है धर्मम, श्रेयंश, सुकृतम, वृक्षभ। हर्ष का है प्रीतिम, प्रमद, प्रमोद, अमोदो, शतकम, सुखम। कल्याण का है शम, श्रेयांश, शिव, भ्रंद, मंगलम, भव्यम, कुशलम। भाग्यम का है देवमा, दिष्टम, भाग्यदम, नियदम, विधम। फिर निंदा का है अवर्णम, अपेक्षम, निर्वदम, परिवाद, उपक्रश। शब्द का है दिना, निनांद, ध्वनि, ध्वनि, धवान, रव्य, निर्दोष। नृत्य, नट्य, नाट्य, लास्य, नृत्य। अपमान का अनादर, परिभव, रीटा, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना। लज्जा का है मंद्राक्ष, त्रेपा, वृड़ा है। क्रोध का है कोप, अमर्ष, रोष, प्रतिधा। इच्छा का है कांक्षा, स्प्राहा, इहा, वाचना, लिप्सा, मनोरथ। कपट का है पर्यायवाची वाज्य, दंभ, उपपति, केत्वकम, निकृति। खेल का है केतुहल, कौतुकम, कुतुक, कौतूहलम। निंद्रा का है शयनम, स्वापम, स्व, वप्र, सवेक्ष है। स्वभाव का है संदित, प्रकृति, स्वभाव, निसर्ग। उत्सव का है क्षण, उद्धर्ष, मह, उद्धव। विवरह का है कुहर, कुशीर, बिल, छिद्र, रंध्र, वपा। प्राणी का है चेतन, जन्मी, जंतु, जन्यु, शिरी, चित्त। मन का है चेत, हृदय, स्वांत, मान, मनसा, मनस। बुद्धि का है मनीषा, घी, प्रज्ञा, वृत्ति, मति, प्रेक्षा, चेतना। संदेह का है विचिकित्सा, संशय और द्वापर। स्वीकार करना, इसका पर्यायवाची है प्रतिज्ञानम, नियम, आश्रव और अंगीकार। मोक्ष का है मुक्ति, केवल्यम, निर्वाणम और अपवर्ग। काला रंग, इसका जो पर्यायवाची है वह कृष्ण, नीला, असीत है, श्याम, श्यामल और मेचक है। मेचक है भी काले रंग को ही कहते हैं। सरस्वती, वाणी, ब्राह्मी, भारती, भाषा, गी और वाक। बोली, इसका हो जाएगा व्यवहार है उक्ति, अलिपि, भाषिति, वचन, वत्स। समाचार है व्रति, प्रवृत्ति, उदंत, दुंत। निंदा का हो जाएगा अवर्ण, अपेक्षा, निर्वर्द, परिवाद। विवीर, इसका हो जाएगा कुहुर, कुहुर, सुशीर, बिल्ल, छिद्र, रंध्र, वपा। सांप का हो जाएगा सर्प, भुंज, अहि, विषधरी, चक्री, व्याल। नरक का हो जाएगा नरक, निरय, निरय, दुर्गति। समुद्र का हो जाएगा सिंधु, परावार, रत्नाकर, सागर।
पानी का हो जाएगा बारी सलील, जलम पये जीवनम उदयक तोय। मछली का हो जाएगा झशुमिन मत्स्य अंडज विसार शंकुली। फिर नदी का हो जाएगा तट तटनी शैलवनी निम्न गा अपा गा सरिता। गंगा का हो जाएगा विष्णुपदी जनतया भागीरथी त्रिपथगा। यमुना का हो जाएगा काली नंदी सूर्य तनया समन स्वासा। नर्मदा का हो जाएगा रेव सोमन द्वा मेकालय कन्निका। कमल का हो जाएगा राजीव पुष्प सरसी रूह अरविंद। तो ये सारे इसमें मैंने आपको शब्द पर्यायवाची करा दिए हैं, और मैं इसका ये पीडीएफ आपको भेज दूँगी जिसमें से आप अपनी कॉपी में कर लेना। थैंक यू।